नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। खबर बलिया से है, जहां विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 11 लाख रुपए ठगी और धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित के पड़ोसी और उनकी पत्नी ने पीड़ित के बेटे को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 11 लाख रुपए हड़प लिए हैं। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के जंगली मोहल्ला चौक इलाके का है, जहां रहने वाले एजाज अंसारी का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले इरशाद आलम और उनकी पत्नी फिरदौस परवीन ने बेटे को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देकर 11 लाख रुपए मांगे। उसने बेटे के भविष्य के लिए उन्हें 8 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर किए और जबकि 3 लाख रुपए नकद दिए हैं। लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी जब बेटे को नौकरी नहीं मिली तो पीड़ित ने दोनों से पैसे वापस मांगे तो दोनों ने गाली गलौज देते हुए धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। क्या नाम है आपका? एजाज अंसारी। एजाज जी कहाँ के रहने वाले हैं? जंगली मोहल्ला चौक पर। जंगली मोहल्ला चौक जी, क्या हुआ है आपके साथ? कैसे आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। हमारे बगली का लड़का था इरशाद आलम, पुत्र खेजी अंसारी, वो एजाज से झांसे में ले लिया। कहा कि हम तुम्हारे लड़के को बढ़िया विदेश में नौकरी दिलवा देंगे, इतना पैसा खर्चा करो, 10,000 लाख रुपया हमने कर दिया, खाते में भी दिया पैसा। और उसके बाद धीरे धीरे साफी दिन हो गया, कोई कुछ भी करने के लिए कहने पर, बार बार कहने पर गाड़ी जुटा देने लगा। तब जाकर हमने जिला प्रशासन से सूचित किया कि विदेश भागने के खिलाफ में वो भाग भी गया, पुलिस अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं। कितना पैसा आपसे लिया है वो आदमी? 11 लाख रुपया हमने दिया है खाते से। खाते से 11 लाख रुपए दिए हैं। और इसकी शिकायत कब आपने की थी? 13 तारीख को, 13/2/2024। और ये पैसा आपसे कब लिया है? ये 1 साल पहले जो दिए हैं, 2022 में दिए हैं, 11वां महीना में। तो उस समय से इतना दिन ले रहा था, धीरे धीरे साल मतलब 12 महीना 14 महीना हो गया, हम इंतजार करते करते थक गए। उसके बाद ये हम तो कदम उठाना पड़ा। यहाँ कब आया था वो? वो तो उसी के समय से यहीं पर आ रहा था। तो पुलिस में आप कंप्लेन किए थे इसको लेकर? हाँ, 13/2/2024 को इसी तरह से हमने मुलाकात किया, कंप्लेन किया। 15 तारीख को तैयार हुआ, हम बोले थे कि विजय भाजपा के फिराक में है, कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए। इसी काम में भी कार्रवाई किया, बढ़िया कार्रवाई किया, तो तैयार तुरंत हो गया, लेकिन धर पकड़ नहीं हो पाया। तो इसमें लापरवाही किसकी मानी जाए? जिला प्रशासन को माना जाएगा, इसी का तो हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया। तो आप क्या चाहते हैं अब आगे? उचित कार्रवाई हो, हमारा पैसा वापस लाया जाए, यही नाम चाहेंगे, और क्या चाहिए हमें? एक बार और बोल दीजिए, हम तो यही चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जिला प्रशासन से मैं यही चाहूँगा कि हमारे अन्याय दिलाने के लिए इच्छुक रहे और हमारा सहयोग करें और जल्द से जल्द हमारा पैसा वापस करवाएं और उचित कार्रवाई करें।